हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तब मैं बताता हूँ कि आपको नेकेड सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऑप्शंस में आपको नेकेड सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी पोजीशन हेज करके चलना चाहिए। तो मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं कि हेज कैसे करते हैं ये बताइए। हालांकि मैंने डिटेल्ड प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने वेरियस ऑप्शन स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करी हुई है, जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्क रिवार्ड और कैसे रिस्क रिवार्ड को एडजस्ट कर सकते हैं फर्दर विद प्रोबेबिलिटी, एंड उसके हिसाब से आप कैसे पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना के एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपकी स्ट्रेटजी आपके हिसाब से जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा और अगर नहीं जाती है तो कितना लॉस होगा। फर्दर चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनानी है तो उसमें बुलिश मूव कैसे आइडेंटिफाई करना है, चार्ट में क्या एग्जैक्ट ट्रिगर है, उसके लिए भी मैंने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेरे ऑप्शन के प्लेलिस्ट में जाइए, और जिसमें मैंने ऑप्शन स्ट्रेटजीज करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, एक एक करके बेयरिश स्ट्रेटजी, बुल स्ट्रेटजी, स्टेबल मार्केट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो वो सारी स्ट्रेटजीज को आपको समझना पड़ेगा। जनरली जो नॉर्मल रिटेल प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑप्शन में या तो बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, बट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना के काम करने में आपको एक अच्छा एक्यूरेसी लेवल मिलता है और आपको अनसर्टेनिटी नहीं रहती, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको मैक्सिमम कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, और जो टाइम डीके का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए पर्टिकुलरली वो आपको मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ कि कैसे हेजिंग करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो जनरली आपको नहीं पता होगा और आपको कहीं पे और वीडियोस में भी इसको नहीं मिले, आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही लॉजिकल है, और वीडियो के एंड में आपको भी ये एकदम लॉजिकल और बिल्कुल रैशनल लगे कि हाँ ये वाकई में ऐसे ही वर्क करता है। तो बेसिकली हेजिंग करने के बाद जो रिस्क रिवार्ड रेशियो निकल के आते हैं, अगर आप उसको कंबाइन करके देखेंगे तो आपको मार्केट का बुलिश या बेरिश मूव का एक प्रोबेबिलिटी पता चल सकता है और वो बिल्कुल वर्क करता है। हालांकि उसके लिए आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा। अब कंफर्मेशन के लिए आप या तो मेरी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल एनालिसिस में कंफर्मेशन का काम करता है और वो क्वांटिफाइड रहता है, मतलब परसेंटेज जो आपको मिलते हैं वो क्वांटिफाइड रहता है, न्यूमेरिक्स रहता है, तो बहुत ही एक अच्छा कंफर्मेशन के तौर पे काम करता है। खाली सोली इसको यूज़ करके आप जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती, बट अगर आप एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको परसेंटेज मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा एक्यूरेसी लेवल आप मेंटेन कर पाते हैं और बेटर रिस्क मैनेजमेंट आप कर पाते हैं। और दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आपके सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं जा सकते, लेकिन हो क्या सकता है कि नेट आप प्रॉफिट में रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी प्रॉफिट कमाएं ज़्यादा कमाएं और जब भी लॉस करें कम करें। तो इसी के साथ आज के प्लेलिस्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हेजिंग करें पुट और कॉल ऑप्शन के साथ विद बुलिश एंड बेयरिश स्ट्रेटजी, और फाइनली जो रेशियो निकल के आएंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो, उसको कंबाइन करके कैसे मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करें क्वांटिफाइड। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ कि कॉल क्या होता है। कॉल इज़ अ राइट टू बाय, एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है बुलिश, और प्रॉफिट तब होता है जब आपने जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे बाइंग करी है उससे ऊपर के लेवल पे एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय यू मार्केट उस लेवल पे क्लोज होता है। मान लीजिए हम निफ्टी चल रहा है 10,100, आपने 10,100 का कॉल 100 रुपये में लिया, तो आपको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट एक्सपायरी में 10,200 से ऊपर क्लोज होगा, क्योंकि 100 रुपये तो आपने पे किया तो उतना तो मूव आपको मिलना ही चाहिए। तो ये सिंपल लॉजिक है। तो जितना आप चीप बाय करेंगे, मान लीजिए 10,000 चल रहा है, तो अगर आप 9,000 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और मार्केट 10,100 बंद होता है तो आपको 1,100 का प्रॉफिट होगा। तो जितना नीचे के लेवल पे आप ऑप्शन बाइंग करेंगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है। पुट में बात करें तो पुट में बिल्कुल उल्टा है, राइट टू सेल आप लेते हैं जब आप पुट बाय करते हैं, एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली बेरिश रहती है, और इसमें भी आपको एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय यू मार्केट में स्पॉट प्राइस है या तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है जो आप पोजीशन बना रहे हैं उतना नीचे का आपको मूव मिलना चाहिए। जब आप पुट बाय करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप महंगे में बेचें, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस स्ट्राइक प्राइस
के आपने पुट खरीदे, एटलीस्ट उससे आपने जितना प्रीमियम के पे किया है उतना तो मार्केट नीचे जाए। फॉर एग्जांपल अगर 10,100 मार्केट चल रहा है और आपने 10,100 का पुट लिया है 100 रुपये में, तो आपको एटलीस्ट 10,000 से तो नीचे मार्केट मिलना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। आई होप कि ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, आपको ये समझ में आ रही होगी। तो इसमें क्या लॉजिक है, जितना ऊपर का स्ट्राइक प्राइजेस आप बाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप उतना महंगे में बेच पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि बहुत ही सिंपल है, लेकिन चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए आपको फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल राइटिंग क्या होता है, पुट राइटिंग क्या होता है, और उनके सारे कॉम्बिनेशन से क्या सारी खिचड़ी पक के आती है, उसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हेजिंग पे। दोस्तों इसके लिए थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी निफ्टी चल रहा है 10,167 पे। मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन है बुलिश और टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,500 का, तो 10,500 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि नंबर इमटेरियल है, जस्ट हम बुलिश एक्सपेक्टेशन के साथ इसको जोड़ने के लिए एक टारगेट पकड़ के चल रहे हैं। इस केस में अगर आपको मार्केट से पैसे बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जस्ट एग्जांपल है, इसको इंप्लीमेंट मत करेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पज मैं आपको समझा रहा हूँ। 10,167 स्पॉट है, बुलिश एक्सपेक्टेशन है, ऊपर की तरफ का मूव आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंटली, तो आपको अगर पैसे बनाने हैं तो आप पुट में सेलिंग करके काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, 10,100 का आप सिंपल अगर पुट सेल कर देंगे, जिसकी प्राइस अभी एक्चुअल में 4585 चल रही है, हालांकि क्लोजिंग प्राइस है, तो आपको अगर मार्केट एक्सपायरी के दिनों में 10,100 या उससे ऊपर ट्रेड करता है तो आपको 45.8 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिसने 10,100 का पुट परचेज करा होगा उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट एटलीस्ट 10,100 से नीचे जाएगा। तो अगर वो नहीं जाएगा तो उनका उसका जो पुट है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, और क्योंकि आपने उसको सेल किया था तो आपने जो पैसे प्रीमियम रिटेन उससे लिया था वो सारा का सारा प्रीमियम रिटेन करेंगे। लेकिन अब इसमें अगर आपको हेजिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करिए मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पुट में काम करना है, जितना महंगा परचेस करेंगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपने 10,100 का पुट सेल कर दिया, तो अगर आपको लॉजिकली चीज़ें नहीं समझ में आती तो आपको क्या करना है, उससे एक या दो स्ट्राइक प्राइजेस नीचे की तरफ आपको या तो सस्ते की आपको पुट बाय कर लेना है। तो 10,100 का आपने पुट सेल कर लिया, अब आप बाय कर लेंगे 10,000 का पुट ऑप्शन, तो उसके लिए आप 28.60 रुपीज़ पे करेंगे। तो अब आपकी नेट पोजीशन क्या हुई, आपने 10,100 का पुट सेल किया है और 10,000 का पुट आपने बाय कर लिया है। बेसिकली आपने हेज किया है कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 10,100 से ऊपर ट्रेड करेगा, लेकिन आपको ये आशंका है कि 10,100 अगर ब्रेक होगा तो मार्केट सिग्निफिकेंट नीचे जा सकता है, 10,000 से भी नीचे जा सकता है। तो इस केस में आपने क्या किया, 10,000 का आपने पुट भी बाय कर लिया है। तो अगर मार्केट 10,000 से नीचे जाएगा तो जैसे ही मार्केट 10,000 से नीचे जाएगा आपका पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देने लगेगा, तो यहाँ से जो आपका लॉस है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब यहाँ से नीचे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये लॉजिक है हेजिंग का। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सिंपल चीज़ है समझ में आई होगी। अब देखिए इसमें आपका रिस्क रिवार्ड कैसे निकल के आता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या बनेगा, 10,100 का पुट ऑप्शन आपने सेल किया तो 45.85 रुपीज़ आपको मिले, लेकिन सामने आपने हेज करने के लिए 10,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया जिसके लिए आपने 28.60 रुपीज़ पे किए, तो नेट आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, 17 रुपीज़ 25 पैसा आपको मिला। तो यह है आपका प्रॉफिट इनटू लॉट कर दीजिए, लॉट एक बार छोड़ देते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। अब मैक्सिमम लॉस क्या होगा दोस्तों, अगर मार्केट तो अनलिमिटेड इन्फिनिट मतलब कुछ भी नीचे जा सकता है, हाँ मार्केट 5,000 भी हो सकता है एक दिन में अगर बहुत ऐसी सिचुएशन निकल के आ जाए, लेकिन टू सिंप्लीफाई थिंग्स और एक सिनारियो को कंसिडर करते हुए हम मानते हैं कि हम डाउनसाइड जो देखते हैं वो मैक्सिमम 10,000 तक ही देखते हैं। तो अगर उस तरह के व्यू के साथ अगर आप चलते हैं कि भाई मार्केट नीचे जाएगा तो मैक्सिमम 10,000 जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो और उससे अगर ज़्यादा नीचे जाएगा भी तो आपका जो 10,000 का पुट है आपको प्रॉफिट देने लगेगा, तो उसमें आपको फर्दर लॉस नहीं होगा। तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपने ये पोजीशन बनाई है 10,100 का 10,100 का पुट सेल किया है और 10,000 का पुट आपने बाय कर लिया है, तो आपको मार्केट कितना भी ऊपर नीचे चला जाए आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट या मैक्सिमम जो लॉस होगा वो आपका ब्लॉक हो गया है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम आपका लॉस कितना होगा, 10,100 - 10,000, क्योंकि 100 रुपये का ही डिफरेंस है। अगर इसमें कैसे होगा कि आपने पुट खरीदा है और पुट बेचा भी है, तो 10,000 पे आपने खरीदा है
पुट और 10,100 पे आपने पुट बेचा है, तो सामने वाला आपको 10,100 में बेचेगा और आपने 10,000 का पुट खरीदा है, बेचने का आपके पास है जिसको आप 10,000 में बेच देंगे, तो आपको मैक्सिमम जो लॉस है 10,100 में आपने खरीदा और 10,000 में बेच दिया, तो 100 रुपये का आपको लॉस, 100 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लेकिन आपने ये स्ट्रेटेजी बनाते टाइम 17.25 रुपीज़ आपने नेट क्रेडिट आपको मिला था, तो जो आपका लॉस घटा देगा, तो फाइनली जो आपका मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा 82.75 रुपीज़। तो रिस्क रिवार्ड क्या बना? रिस्क आपका आपका जो रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 82.75 विच इज़ मैक्सिमम लॉस, और आपका मिनिमम आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट वो बन रहा है 17.25। तो इसको अगर एक के बेस के साथ एडजस्ट करें तो आपका जो रिस्क रिवार्ड बन रहा है वो है 4.8:1। इसका मतलब ये है कि अभी के लिए आप 1 रुपीज़ का प्रॉफिट एक्सेप्ट कर रहे हैं विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट अगर ये स्ट्रेटेजी गलत जाती है तो आपको 4.8 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें कैच है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पुट सेलिंग करते हैं तो आपका आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी फेवर में रहता है। कैसे? कि भाई मार्केट या तो स्टेबल रहेगा, या तो बेरिश जाएगा, या तो बुलिश जाएगा। जब आपने पुट सेल करें तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? स्टेबल टू बुलिश। तो अगर मार्केट स्टेबल भी रहा तो भी आपको पैसा मिलेगा, और अगर मार्केट बुलिश रहा तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो 3 सिनेरियोस में से 2 सिनेरियोस आपके फेवर में है, तो 2 out of 3 आपके फेवर में है। तो इसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो 4.8 जो आपका रिस्क है वो एक ही है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको लॉस होगा, तो 4.8:1, और एक जो है वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन उसके 2 चांसेस स्टेबल टू बुलिश रहेगा तो ×2 करेंगे, तो आपका जो अब फाइनल रिस्क रिवार्ड निकल गया आएगा वो आएगा 2.4:1। मतलब यू आर एक्सेप्टिंग 1 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट योर मैक्सिमम लॉस कैन एक्सटेंड टू 2 रुपीज़ 40 पैसा। तो 2.4:1 इज योर रिस्क रिवार्ड। तो ये आपका बुलिश एक्सपेक्टेशन के साथ पुट में हेजिंग वाला स्ट्रेटेजी हो गया, जिसका हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो एक्चुअल जो प्राइजेज है निफ्टी की उसके हिसाब से निकाल लिया। अब हम सेम चीज़ करेंगे कॉल के साथ विद बेरिश एक्सपेक्टेशन। तो अभी आपकी एक्सपेक्टेशन है बेरिश, टारगेट आप एक्सपेक्ट करें 9,100 विच इज़ इमटीरियल, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप 10,100 का कॉल बाय करेंगे 133.10 रुपीज़ में, और आप 10,000 का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे 215 रुपीज़ में। इसमें क्या हो रहा है कि जितना आप सस्ता परचेज़ करेंगे, अगर आपको याद हो मैंने आपको ऊपर बताया, जितना सस्ता परचेज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपने क्या किया, 10,100 का कॉल आपने बाय कर लिया एट 133.10, और आपने 10,000 का कॉल सेल कर दिया जिसके लिए आपको ज़्यादा, तो जितना सस्ता आप बाय करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और चूंकि आप इसमें बेरिश एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं तो आप महंगा सेल करेंगे और सस्ता बाय करेंगे ताकि आपको नेट क्रेडिट मिले। तो 215 - 133, तो 81.90 रुपीज़ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो है 100 रुपीज़। कैसे? 10,100 में आपको बाय करना पड़ेगा और 10,000 में आप सेल कर सकते हैं। तो 10,100 में अगर आप बाय करके 10,000 में सेल करते हैं तो कितना का आपका लॉस हुआ? 100 रुपीज़ का। तो ये स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं तो मैक्सिमम आपका जो लॉस है इस अगर पर्टिकुलर उसमें बनाते हैं तो 100 रुपीज़ आपको लॉस हो सकता है, फिर मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए। उसमें से 81.90 आपने ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो है 18.10। तो इसमें आपका क्या रिस्क रिवार्ड निकल गया, 18.1:81.90। 1 के बेस के साथ इसको एडजस्ट करेंगे तो 1:4.52 आपका रिस्क रिवार्ड बन के आ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि आपने कॉल राइटिंग करी है तो स्टेबल टू बेरिश आपको पैसा देगा, तो 2 out of 3 चांसेस है 4.52 मिलने के, और एक ही चांस है 1 रुपया जाने का। तो 1:1 और 4.52 × 2, तो 1:9.04। तो ये आपका रिस्क रिवार्ड निकल के आ गया। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें टेक्निकल हो जाती है और इसको समझने की ज़रूरत है, और मैं आपको एकदम लेमैन के तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई आपको बोले कि ये आपका रिस्क रिवार्ड बन रहा है तो आप क्या करना पसंद करोगे? आप बुलिश जाना चाहोगे या बेरिश जाना चाहोगे? डेफिनेटली अगर आप बुलिश का रिस्क रिवार्ड देखें तो 1 के मुकाबले 2 रुपये 40 पैसे का लॉस आपको रिस्क लेना पड़ रहा है, मतलब 2
2.4 रुपीज़ आपका रिस्क है, उसके सामने रिवार्ड ओनली 1 रुपीज़ है, जबकि यहाँ पे आपका रिवार्ड 9.04 रुपीज़ है और आपका रिस्क 1 रुपी है। तो आपको लगेगा ऑब्वियसली फिर हम 1 रुपीज़ अगर रिस्क में डाल के 9.04 रुपीज़ अब हमें मिल रहे हैं तो डेफिनेटली हम यही वाली स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉर कहीं जहाँ पे बैटिंग अलाउड है उस कंट्री में अगर आप बैटिंग करेंगे और मान लीजिए इंडिया और कोई वीकल टीम है, मान लीजिए यूएई है और उसका मैच है, तो आपको पता होगा कि जो सबसे ऑब्वियस विनर है उसका रेट जो है वो कम चल रहा होगा और जो ऑब्वियस विनर नहीं है जो वीक टीम है उसका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर इंडिया और यूएई का मैच है तो अगर इंडिया के जीतने के लिए आप पैसा लगाओगे तो आपको कम रेट मिलेगा, लेकिन अगर इंडिया और यूएई का मैच है और यूएई के जीतने के लिए आप पैसा लगाओगे तो आपको ज़्यादा जो आपका रिस्क रिवार्ड है वो बेटर होगा, क्योंकि 1 रुपये लगने के सामने आपको शायद 4 रुपये मिल रहे हों, तो जो ऑब्वियस चीज़ है उसमें आपको कम रेट मिलेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑब्वियस है मतलब मार्केट ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है तो जो ऑब्वियस है उसमें आपको कम रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन जो होने के चांसेस कम है उसमें आपको अनसर्टेन रिवार्ड देखने को मिल रहा है। जस्ट इसको आप इंडिया और यूएई के मैच के साथ वाला जो एग्जांपल है उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी। जहाँ पे आप देख सकें 2.4:1, तो 2.4:1 और 1:9.04, तो ये हमने कर दिया तो आपका जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई कंबाइंड प्रोबेबिलिटी वो है 2.4:9.04। अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे 100 के बेसिस के हिसाब से तो आपका जो रिस्क रिवार्ड निकल के आएगा वो 21:79। और चूंकि आपको पता है कि जो बुलिश सिनेरियो है वो काफ़ी ऑब्वियस है तो जो बुलिश वाला जो चांसेस है वो 79 रहेगा और जो कम वाला चांसेस है 21 जो है वो बेरिश रहेगा। तो इस प्राइजेस से अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो निकालते हैं तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में बेरिश जाने के चांसेस 21% है, काफ़ी कम है, जैसे कि यूएई के जीतने के चांसेस है, और मार्केट के बुलिश जाने के चांसेस 79 है लाइक इंडिया के यूएई के सामने जीतने के चांसेस। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 21:79 निकल के आ रहा है विथ बेरिश एंड बुलिश आउटलुक। तो 21% चांसेस बेरिश के और 79% चांसेस बुलिश के। अगर आप इसको एग्जैक्ट जो डेटा आपके पास है इसको निकाले तो आपको ऐसे इसमें चीज़ें निकल के आ रही है। तो आई होप कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको लॉजिकल लगा होगा और इससे जो चीज़ें निकल के आ रही है आपको मीनिंगफुल लगी होगी। इसका पर्पस ये है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाई है तो आपको डे एंड पे आपको स्ट्रेटेजी को मॉनिटर करना है, आपको रिस्क मैनेज करना है, तो अगर आप इस हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करके एक रेशियो निकालेंगे तो आपको जो जो अपना प्रॉफिट है उसमें जो मैक्सिमम रिस्क आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, आप पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना के कर रहे हैं। तो अगर आपको रेशियो पता है कि भाई ऊपर जाने के चांसेस क्या है, नीचे जाने के चांसेस क्या है, तो उसको आप अगर मैथमेटिकली इम्प्लाई करके देखेंगे तो आपको इसको थोड़ा बहुत आप इसमें एडजस्ट कर पाएंगे और रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपका बेटर हो सकता है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा डिटेल में बनाया इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने इसमें डिस्कस करे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी और काफ़ी एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।